और ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मुझे वैश्य संस्था में प्रधानाचार्य के रूप में काम करने का सौभाग्य मिला। वैश्य एजुकेशन सोसाइटी 16 फरवरी 1921 में स्थापित हुई थी, जब हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने अपने कर कर्मों से इसकी नींव रखी 16 फरवरी 1921 में। उसी दिन से जब इसको एक छोटे से पौधे के रूप में रोपित किया गया और दिन दुगनी रात चौगुनी इसकी उन्नति होनी शुरू हुई। बाबू श्यामलाल जी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को लेकर बैलगाड़ी में बिठाकर लेकर आए और उन्होंने यहाँ आकर वैश्य हाई स्कूल की स्थापना करी। और अपने जीवन काल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने केवल 2 ही संस्थाओं की नींव रखी, एक गुजरात के सतारा ज़िले में और दूसरी हरियाणा के रोहतक ज़िले में। और जैसे ही ये संस्था का निर्माण शुरू हुआ, इसमें और अन्य संस्थाएं, स्कूल और कॉलेज जुड़ते गए। आज की अगर मैं पूरी रूपरेखा बताऊं तो करीब करीब 13 इंस्टीट्यूट वैश्य एजुकेशन सोसाइटी के अंडर काम कर रहे हैं, जिसमें VTI, वैश्य फार्मेसी कॉलेज, वैश्य इंजीनियरिंग कॉलेज, वैश्य डिग्री कॉलेज, वैश्य लॉ कॉलेज और इसके साथ साथ 4 स्कूल हैं। 2 स्कूल CBSE से एफिलेटेड हैं और 2 अन्य स्कूल, एक गर्ल्स स्कूल अलग और बॉयज़ स्कूल, वो HBSE से एफिलेटेड हैं। तो वैश्य एजुकेशन सोसाइटी अपने योगदान के द्वारा करीबन 15,000 विद्यार्थियों को यहाँ पर शिक्षा दे रही है और करीबन 750 एम्प्लॉय यहाँ पर कार्यरत है। और हमारे जो संस्था में जो महात्मा गांधी हमने एक वाटिका का निर्माण किया गया है, इसके अंदर एक पूरा म्यूज़ियम है। तो जब बच्चे रोज़ आकर इस स्टैचू को देखते हैं तो उनके अंदर भी एक भावना निर्मित होती है कि हमें भी अपने राष्ट्रपिता की तरह ही आगे कार्य करना है, अपना योगदान देना है, देश को आगे बढ़ाना है, राष्ट्र सबसे पहले, ये विचार मन में रखना है, बाद में अपना परिवार, समुदाय और अन्य चीज़ें। महात्मा गांधी का हमारी संस्था में अहम योगदान है, क्योंकि 1921 में जब हर तरफ जो कोताहुल था, देश में बना हुआ था, देश में एक बवंडर का माहौल था, देश आज़ादी के लिए लड़ाई था, तो महात्मा गांधी उन्हीं दिनों में अपने कुछ सहयोगियों के साथ इस संस्था की एक नींव रख कर गए, जो आज एक वट वृक्ष के रूप में स्थापित हो चुका है। महात्मा गांधी जिन्हें फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि उस संस्था के अंदर हम कार्यरत हैं। बच्चों को क्या मैसेज मिलता है, यहाँ आते होंगे बच्चे? बच्चों को यहाँ ये संदेश मिलता है कि जैसे महात्मा गांधी ने देश के लिए इतना बलिदान किया, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर उन्होंने चलना सिखाया, उन्हीं जो उनके जो सिद्धांत थे, उन्हीं सिद्धांतों का जो मार्गदर्शन है वो हम सभी टीचर्स उनको देते हैं, ताकि वो भी आगे चलकर देश के जो विकास है उसमें कार्यरत हो सके, देश के विकास में योगदान दे सके। कार्यक्रम भी करवाते होंगे संस्था? हर समय जो है कार्यक्रम करवाए जाते हैं। लाइक अभी 15 अगस्त है तो 15 अगस्त का भी विशेष कार्यक्रम रहेगा, रंगारंग कार्यक्रम रहेगा, फ्लैग होस्टिंग होगी, महात्मा गांधी जी को भी याद किया जाएगा और 2 अक्टूबर जो कि गांधी जी का खुद जन्म दिवस है, उस पर भी गांधी जयंती मनाई जाती है और बच्चों को भी प्राइज़ वगैरह देकर उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है।